बजे सिर्फ लाइव इंडिया पर। शिवेन सिंह थे जो फोर्टिस ग्रुप के एमडी हैं, वो कह रहे हैं हेल्थ सेक्टर को थोड़ा नजरअंदाज किया गया है। जाहिर सी बात है अपनी फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले नेसवाडिया भी सदी हुई प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन कह रहे थे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं इस बजट से उन्हें थी, वो तमाम अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी वो इसे बैलेंस मार रहे हैं। एसोचैम के चेयरमैन क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी आरती पांडे ने उनसे खास बातचीत की। आज के बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ सुभाष गोयल हैं, जो कि टूरिज्म कम्युनिटी एसोचैम के चेयरमैन हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आज के इस बजट को आप? देखिए, एक ही अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई है, वो है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का रिमूवल। दूसरी जो अच्छी चीज़ थी वो जो स्लम्स को क्लियर करने का है। पर आम आदमी की बात तो करते हैं, पर आम आदमी वो आदमी भी है जो बेरोजगार है, जो अर्बन पुअर है, उसको आप किस तरीके से उसको नौकरी देंगे? जब तक आप उन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे जो लेबर इंटेंसिव हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री इस टाइम वर्ल्ड की मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, क्योंकि जहां पर भी टूरिस्ट जाता है रिमोटेस्ट एरियाज़ में, वो रोज़गार बढ़ाता है, गरीबी हटाता है। तो आप देखिए कि टूरिज्म इंडस्ट्री का आपने नाम ही नहीं लिया। बाजार को बेहद निराशा हुई है इस पूरे बजट को लेकर। आपको लगता है कि इंडस्ट्री ने जो उम्मीदें थी, जो जिस तरह की उम्मीदें पाली हुई थी कि इस बजट से उसको मिलेगा, शायद वो पूरी? फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। अब हालांकि बिल्डिंग हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हमारा कोई वो नहीं है, पर उनको आपको वो देना चाहिए था, बिकॉज दैट ऑल्सो जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। पूरी वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स हैं वो कोशिश कर रही हैं हाउ टू क्रिएट मोर जॉब्स। हियर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट मोर जॉब्स एंड यू आर इग्नोरिंग दैट अपॉर्चुनिटी, सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। क्या कुछ ऐसे सेक्टर आप मानते हैं जहाँ पर कि कुछ और सरकार कर सकती थी, कुछ और रियायतें दे सकती थी? नहीं, सबसे ज़्यादा तो टूरिज्म इंडस्ट्री में कर सकती थी, एविएशन में कुछ नहीं करा। एविएशन इंडस्ट्री हमारी इतनी डोलड्रम्स में है, एविएशन के लिए कुछ नहीं करा। और तीसरा, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं करा। निराशा है, कितना अंक देना चाहेंगे अगर 10 में से अंक मांगे जाए आज के बजट को? तो मैं सिर्फ 5 दूंगा, 50% सिर्फ फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और जो स्लम क्लियरेंस का प्रोग्राम है और एक दो और प्रोग्राम अच्छे हैं, बाकी टूरिज्म इंडस्ट्री तो कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड है। तो सुभाष गोयल जी पूरी तरह से निराश हैं आज के इस बजट से। उनको लगता है कि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें की सरकार कुछ रियायतें दे सकती थी, कुछ राहत दे सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। बजे सिर्फ लाइव इंडिया पर।